the support of the society, without the help of the society, would that be possible कि हम यहाँ पर खड़े हो responsibility as well to give something back to the society and people. That's what Brahma Kumaris are doing in nook and corner of the world. Life में positive transformation आ सके. तो through media platform कौन से ऐसे articles हम बनाए, कौन से counseling का एक शायद we meet people, when we interact with people, when we have one-to-one counseling, उनके जो issues हैं, practically possible always. This is an effort. When we have effort, हिम्मत का एक कदम हम रखेंगे तो possible होगा. Because if I don't finish my complaints in my mind, हम दूसरों को क्या solution देंगे? अगर हम ही मन से भारी है, हम ही मन से light नहीं है, हम ही मन से खुश नहीं है, satisfied नहीं है, ब्लिसफुल नहीं है, सो विल इट बी पॉसिबल कि मैं दूसरों को बोलूं कि आप खुश रहो, आप पॉजिटिव रहो, आप ब्लिसफुल का अनुभव करो, विल दैट बी पॉसिबल? तो कोई भी संस्कार आज हम यहाँ से पक्का चेंज करके जाएंगे, पॉसिबल होगा? पॉसिबल होगा सर? एक संस्कार जो मुझे डिस्टर्ब करता है, मेरे साथ ही साथ जो भी रहते हैं उनको डिस्टर्ब करता है, मेरे प्रोफेशन को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती होगी, दैट माइट बी लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, गॉसिपिंग, लाइक बुलिंग, कुछ भी हो सकता है, टू मच सेल्फिशनेस, बिकॉज इस सोसाइटी में चलते चलते कभी कभी ये भी कहता है दुनिया में चलना काम करना मुश्किल है. ऐसे हर एक व्यक्ति कहता रहेगा तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं ला सकते हैं ना. तो ऐसे ही अगर नहीं होगा सोचेंगे तो नहीं होगा. तो आज एक काम करते हैं कि also stick to the topic only. विषय वस्तु रही तो आप बाहर कुछ भी नहीं. आज का टॉपिक रही थी सॉल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म टुवर्ड्स प्रॉस्परस भारत. एट हम टॉपिक माँ फोकस बेसिकली और स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ दी वी आर हियरिंग. मो प्रथम क्षमा मा किनो जी मुटिके इंटरप्ट करी, एक मा इंटरप्ट करी बिकॉज़ आपन को जो एजेंडा रही छे, एजेंडा रही छे 4:40 भीतर हबो. वी हैव ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेमिनार टू कंक्लूड. द 30 मिनट्स इज नॉट सफिशिएंट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू फोकस ऑन जिपारे. मो 6टा पर्यंत बसी करियो, जेते कि एजेंडा 4:40 पर्यंत अछि. 4:40 पर्यंत मो जानि छी यू विल बिलीव इन द प्रिंसिपल्स डिसिप्लिन. सो डिसिप्लिन बाहर को नजर पे एक कथा कहिदिली. तो आज संक्षिप्त समय भीतर मो अभी फोकस करिया पे सब्जेक्ट ऊपर दि वन सॉल्यूशन. When you are focusing on this what solution, somewhere in your subconsciousness you find there are problems. What are those problems? What are those problems? Solution based journal, what are those problems? We have to identify those problems. So let's make it interactive. Which problems you have just conceptualized and you are looking for solutions to those problems? Can anybody come up with those problems? What are the solutions you are talking about? I come to the problems. If you have any problems, then the solutions of problem with the jiba. निश्चित कौन से जगह किच्छ problem आपको hot करें चाहिए. किच्छ problem आपको visualize करते हैं in your mind's eye. What are those problems? It could be economic problem. It could be social problem. It could be political problem. So you are looking solutions of all these problems through media platforms. मुझे भी भूल ना था कि अपन you can interrupt internet at any point of time. तो वर्तमान एक तीन तक these are three conditions to lead a country on the path of progress, on the path of prosperity. समस्या जब भी हो ताहले समाधान हेलो देखा जीवो केमिति समाधान में के खोजियो काई सेति पई समस्या मीडिया पई को कहबी गणमाध्यम पई कोटे बड़ फलो कथा जेते समस्या आसीबो मीडिया भाई खुशी हुए सेति कारण से समस्या के समाधान खोजिबा ता सब बड़े आग्रह थाए पर ता मूलत चरित्र के मीडिया रो जे समस्या समाधान करे आपन वर्तमान जो विषय के रखिछन से विषय कोनसी जे गोटे सल्यूशन बेस्ड जर्नालीजम हवा आवश्यक जो थे
आम भारत भूखंड को आम देश को ये गोटे उन्नति पथे आगे अनादि काल अहरह भाव जब आप देखिए पौराणिक काल सांबादिकता आप समस्त जानती आम नारद को आम प्रथम सांबादिक सम्मान दौ बावेचना कर आप जानते हैं नारद चरित्र को आप समस्त जानते कड़ी लगा जो कि देखिए गोटे किसी घटना घटू गोटे असुर मान प्रादुर्भाव होना देखिए नारद आविर्भाव कड़ी लगे इंडिया प्रॉस्परस होना चाहिए, भारत प्रॉस्परस होना चाहिए, ये हर भारतीय का मन का इच्छा है। हर फील्ड का आदमी अपना फील्ड पे काम कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में काम कर रहा है, कोई ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहा है, कोई मजदूर क्षेत्र में काम कर रहा है, समाज जीवन की सारे क्षेत्र में सारे लोग काम कर रहे हैं। आप ब्रह्म कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में आप भी काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, ये सबका एक मिशन है। जो खेती करता है, जो मजदूरी करता है, उसका भी लाइफ का मिशन है, उसका काम से भी सोसाइटी का फायदा होता है और उससे उसका घर भी चलता है। आप लोगों ने सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं सोच के समाज के लिए सोचना। मैं यहाँ आया हूँ, मैं जो भारत को प्रॉस्परस बनाने का लार्जर कैनवास में, लार्जर प्रस्पेक्टिव में मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ। और आप लोगों का मीडिया से क्या अपेक्षा है? ऐसा नहीं कि हमको ये वी आर नॉट लाइक डे टू डे जिंदगी में उसको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन समझने के बाद ही जो डेली बेसिस पे आपका मन में भी क्या है मीडिया को लेके, हमको भी ये चीज सुन के अगर हम में कुछ परिवर्तन लाने को आपका एक्सपेक्टेशन है, हम उसको भी सोचना चाहिए। मैं इसीलिए यहाँ आया था। अक्षय बाबू ने बताया, शिशिर बाबू ने बताया, सोसाइटी में जैसे शिशिर बाबू ने बताया, ये डिफरेंट ऑफ ओपिनियन तो रहेगा, ये तो डेमोक्रेसी है। इसमें मैं जो बोलूंगा वो शिशिर बाबू बोलेंगे या अक्षय बाबू बोलेंगे, आप बोलेंगे, इसमें कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा प्रस्पेक्टिव अलग हो सकता है। हमारा प्रस्पेक्टिव अलग होने के बावजूद हमारा जो टारगेट है ये है लोक कल्याण। यही तो शिशिर बाबू का कहना है। इसमें जो मीडिया में हम काम कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए कोई बड़ा उपकार कर रहे हैं ये नहीं, हमारा जो प्राइमरी काम है सोसाइटी में जो चीज हो रहा है वो आपका सामने लाना, सामने लाना का लाने का साथ तो इंटरप्रेटिंग इन आवर वे। सोसाइटी में जो हो रहा है, आज एक्सीडेंट हुआ, आज फलाना नेता ने ये बोला, आज इंडस्ट्री में ये हुआ, आज क्राइम में ये हुआ, आज स्पोर्ट्स में ये हुआ, आज सोसाइटी का चिंतक लोगों ने ये चीज बताया, ये सारे चीज को सामने को लाना ये हमारा काम है। और इसमें जो डिफरेंट प्रस्पेक्टिव है सोसाइटी को, उसको डिबेट का रूप में, व्यूज का रूप में आपका सामने आना, सोसाइटी का सामने लाना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप जिस प्रस्पेक्टिव में काम कर रहे हो, सोसाइटी में डिफरेंस होगा ये भी आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये डिफरेंस होगा लेकिन इसका साथ सोल्यूशन भी निकलना चाहिए। हमारा बीच डिफरेंस रहेगा, सोसाइटी में डिफरेंस है, मतभेद तो रहेगा, मत तो रहेगा, लेकिन ये सोल्यूशन बेस्ट कैसे हो सोसाइटी में, उसका एक कैटलिस्ट का रोल मीडिया बन सकता है, क्योंकि मीडिया को, मास मीडिया को सब लोग सुनते हैं। यस, सोशल मीडिया ये एक लार्जर रोल में आने के साथ ये जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसको कॉम्प्लीमेंट किया है। मीडिया जो छूट जाता था, जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म था, जैसे अक्षय बाबू बताते थे, जो कॉमन आदमी है, आप जो बोलना चाहते हैं आप सोशल मीडिया में बोलेंगे, आपको कौन रोक सकता है? और ये वायरल होने में कौन आपको रोक सकता है? लोग जिसको पसंद करेंगे, लोग ज्यादा उसको दिखेंगे। सोसाइटी में क्यों क्राइम शो बढ़ रहा है? क्राइम शो इसलिए मैंने बोला मेरा चैनल में कि सुबह 7 से 9 बजे क्राइम नहीं चलाएंगे, कम से कम सुबह तो लोगों को छोड़ दो कि क्राइम का न्यूज ना देखे।
लोगों का भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, क्राइम होता है, उसको नहीं दिखाओगे कैसे चलेगा? ये सच भी है, सोसाइटी में जो हो रहा है उसको तो हम रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, ये तो होगा। लेकिन इसका साथ हम एक पॉजिटिव अप्रोच सोसाइटी में बनाने के लिए, जो सोसाइटी है, जो आदमी है, सिर्फ एक बॉडी है क्या?